कबीर, क्या तुझे ऐसा नहीं लगता कि रानी की नई फोटो फ्रेम असली गोल्ड की है? करण, मुझे वो सब तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसकी कीमत मॉम की सैलरी से ज्यादा है, इसलिए ध्यान से। ठीक है अब बस भी कर। रानी ने हमें सिर्फ इसलिए पैसे दिए ताकि हम प्रिंसेस के साथ रहे, उसके बाल कोम करने के लिए नहीं। नहीं नहीं करण, मुझे प्रिंसेस के बाल 100 बार ब्रश करने हैं। 1, 2। कबीर, अगर तू उसके बाल ब्रश नहीं करेगा तो प्रिंसेस रानी को लंदन में फोन करके कंप्लेन करेगी क्या? हेलो प्रिंसेस। हेलो। 85, 86, 87। इतना ख्याल तो मॉम भी हमारा नहीं रखती है। रानी ने एक अच्छी खासी डॉगी को बिगाड़ दिया है ना प्रिंसेस। पेश है आपके लिए चिकन हड्डी बर्गर और चॉकलेट बिस्किट्स। वो जो भी हो, प्रिंसेस एक डॉगी है और सब डॉगी को बॉल के साथ खेलना पसंद है ना प्रिंसेस? करण, तूने ये क्या कर दिया? रानी के सर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लगता है फ्रेम असली सोने का नहीं था। अब हम क्या करेंगे? तूने भी तो गलती होते हुए देखी, तो तेरी भी गलती है। करण, तू दुनिया का सबसे बड़ा गोचू है, गोचू। और जो गलती होते हुए देखता है वो डबल गोचू होता है। क्या वो सब छोड़, अब हमें इसे ठीक करना होगा, इसके पहले कि कोई रानी को बता दे। हेलो 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 रानी, रॉन्ग नंबर। आप वो क्लासिकल म्यूजिक कन्वेंशन के लिए आए होंगे ना? मुझे ये कन्वेंशंस बहुत पसंद आते हैं। एक्सक्यूज मी, हटिए। मानसिंह जी, हमें माइक बदलना है। मुझे तो ये माइक बिल्कुल ठीक दिखता है। हाँ, लेकिन ठीक सुनाई नहीं देता है, प्लीज बदलिए इसे। इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन पहले मैं मिस्टर सूर चेक इन कर लेता हूँ। अच्छा बुरा हम सब है समझते, आपको हमारा सब प्रेम। नमस्ते। नमस्ते। आप दोनों क्या सब कुछ गा कर ही बोलते हैं? हमेशा। कहाँ चली अनारकली? हाउसली। तो मेरे टोटल सेविंग्स हो गए 2545 प्लस, तूने कितने सेविंग्स किए? 0। ये शिवानी यहाँ क्या कर रही है? स्कूल की सबसे स्मार्ट लड़की है। ओ, इसका मतलब तुझे वो पसंद है, जाके हाय क्यों नहीं बोलता? एक बार ट्राई किया था, लेकिन मुँह से सिर्फ हाँ कैसे और थोड़ी गैस निकली। I'm sorry ma'am, लेकिन इस सैटरडे हमारे होटल में एक भी रूम खाली नहीं है। पर मैं अपनी पजामा पार्टी यहाँ रखना चाहती थी। Oh, I'm so sorry. तुम ऐसा करो, तुम ये रख लो। Happy birthday. इस पेन में कोई रिफिल नहीं है। Sorry, ये मेरा पर्सनल है। Oh, हाँ, तुम ये रख लो। बेचारी शिवानी अपना बर्थडे नहीं मना पाएगी। मना पाएगी? अगर हम रानी का स्वीट उसे रेंट पे दे दे और जो पैसे हम कमाएंगे उसे रानी का सर, रानी की फोटो फ्रेम ठीक कर देंगे जो हमने तोड़ी थी। हमने? मेरा मतलब बॉल ने तोड़ी थी। नहीं करण, तेरे प्लान सुन के ना मुझे बहुत घबराहट होती है। कबीर, कभी कभी प्लान फेल होते हैं, लेकिन सच अगर तेरी वजह से शिवानी अपना बर्थडे पार्टी मना पाएगी तो उसका हीरो बन जाएगा। मंजूर है। करण, कबीर, हाय। हाय शिवानी, हमने सुना कि तुम अपने बर्थडे पार्टी के लिए एक रूम ढूंढ रही हो। क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, कबीर कुछ ना कुछ कर लेगा। Oh my goodness, कबीर, thank you so much, that's so sweet. वेलकम। मॉम, कबीर हमारे लिए रूम इंतजाम कर सकता है। लेकिन मैनेजर ने का कोई रूम खाली नहीं है। वो बेचारा नया है, उसकी तो नौकरी भी पक्की नहीं है। आप कोई इम्पोर्टेंट इंसान नहीं है।
I'm busy. पैसे मिलेंगे. हेलो, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? निया जी. जी? ओ, जी, जी? क्योंकि आप जूनियर क्रियाकल्प की डायरेक्टर हैं. है? हूँ. मैं बहुत सीनियर डायरेक्टर हूँ जूनियर क्रियाकल्प की. ये शिवानी है, ये अपना बर्थडे पैजामा पार्टी सैटरडे मनाने वाली है रानी स्वीट में. रानी स्वीट में? आप चौकी अभी खाली है. चौकी अभी खाली है. और इन मासूम लड़कियों की देखरेख करने के लिए आपसे ज्यादा समझदार और कौन हो सकता है, है ना? हाँ. मुझसे ज्यादा समझदार, जिम्मेदार, बलदार, जमादार, आई मीन ईमानदार और कोई नहीं है. आप अभी चेकिंग कर देंगे? जरूर. कैश पेमेंट पे 10% डिस्काउंट. वाओ. आप कैश पेमेंट करने वाली हैं? जी. वाओ. कबीर, थैंक यू सो मच. इस साल मेरे पार्टी सबसे बेस्ट होगा और वो भी तुम्हारे वजह से. चलो मैं जाती हूँ. बाय. बाय. रानी स्वीट में आपका स्वागत है. अब मैं आपको कुछ नहीं, उसको नीचे रखो. बैठ जाओ. तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, ये कबर्ड तो मेरे घर से भी ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर लिफ्ट भी है. एक मिनट, हमारे कमरे में किसी और के कपड़े क्यों हैं? तुम्हारी पार्टी के लिए मंगाए. तो हम ये सब ट्राई कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं. सिर्फ 500. मुझे ना बहुत भूख लग रहा है. मैं रूम सर्विस ऑर्डर कर रही हूँ. नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती. I mean, फूड ऑर्डर करना मेरा काम है. क्या चाहिए? ग्रिल चिकन, विंडालू, बिरयानी. सिर्फ पिज्जा मिलेगा. चलेगा, मेरा फेवरेट है. कबीर, चल, तेरे लिए शिवानी वेट कर रही है और मेरे लिए लता, सिमरन, अलका और जूही. करण, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा. सोच, अगर मैं ऐसे ही पैंट पहन के गया तो शिवानी क्या सोचेगी? कबीर, अगर तू पैंट पहने बिना गया तो सोच शिवानी क्या सोचेगी. हेलो. हाँ. ओ नो, क्यों? कबीर, लड़कियों को पिज्जा चाहिए और हमारे पास पैसे नहीं है, अब क्या करें? करण, जा, मेरा पिज्जा एप्रिन लेके आ. पहले मैं अपनी पैंट्स पहन लेता हूँ. टमाटर. टमाटर. चीज. यस प्लीज. सॉस. यस बॉस. नमस्कार. आप दोनों मेरे पीछे, मेरा मतलब है कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कर रहे थे हम आपका इंतजार. क्या मौसम है, क्या बहार. चले बाहर. खुशबू बड़ी है निराली. जनाबे आली, इन दोनों के लिए जोर से ताली. तो दे दो हमको भी थाली. सॉरी, वो पॉसिबल नहीं है. वो क्या है ना, आज सैटरडे है और सैटरडे को हम तीनों एक साथ मिलकर डिनर करते हैं. पर हम तो बाहर जा रहे हैं. मॉम, आप भी सिंगर. ये भी सिंगर. तो साथ में जाके कर लो डिनर. और तेरी सारी की टेंशन मत लेना, क्योंकि बड़े बूढ़े देर तक बाहर रह सकते हैं. यस! यार करण, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है. तुझे अपने पैसे मिल जाएंगे और मुझे शिवानी की दोस्ती. करण तो जीनियस है.
हम नीचे क्यों जा रहे हैं? तू एकदम घोचू है घोचू, तू एक लिफ्ट का बटन नहीं दबा सकता। एक मिनट, मैंने पूरा प्लान बनाया, तू एक लिफ्ट का बटन नहीं दबा सकता। अगर मैंने प्लान नहीं बनाया तो। हाय बॉयज, मैं आ गई। करण अपने हाथ हटाओ, मुझे भी स्पीड में जाना है। रानी तुम इतनी तकलीफ क्यों ले रही हो? मैं बटन दबा देता हूँ। लेकिन ये मेरा फ्लो नहीं है। वो क्या है ना, जब तुम बाहर थी तो उन्होंने आकर सारे फ्लोर्स के नंबर चेंज कर दिए। अब तुम्हारे फ्लोर से 10 नंबर माइनस कर दो और जितना भी हो उस पे उतर जाओ। रूम सर्विस। गर्ल्स आराम से, पिज्जाज बहुत सारे लेकिन मैं सिर्फ एक हूँ। करण अभी लड़कियों से बात करने का टाइम नहीं है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? रानी वापस आ गई। मेरे पैसे का क्या होगा? उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले इन सब लड़कियों को बाहर निकालना होगा। ओके घबराओ मत, मैं कुछ करती हूँ। गर्ल्स चलो हम छुपा छुपी खेलते हैं। मुझे छुपा छुपी नहीं खेलना, वो बच्चों का गेम होता है। पर मुझे खेलना है, अब खेलोगी? Come on! रूम को जल्दी से ठीक करते हैं। रानी आ रही है, रिलैक्स हो जाओ। गाइस कोई फ्लोस नंबर नहीं बदले थे। ये रूम को क्या हो गया? रानी सच बताओ तो, तुम्हारी नहीं होने की खुशी में हम तीनों ने पिज्जा पार्टी कर ली। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ। शानी पोर्ट्रेट कहाँ है? पोर्ट्रेट भेज दिया। अबे पॉलिशिंग के लिए गई है। पूना। हाउ स्वीट। नहीं! तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं तुम्हारे लिए रख देता हूँ। चूहा और बिल्ली का मिक्स भी बहुत खतरनाक होती है। और अटैक करने से पहले वो हंसते हैं। क्या करेंगे? तुम टेंशन मत लो, हमने पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला दिया है, वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। एक काम करो, आज तुम हमारे स्वीट में रुक जाओ, वहां तुम्हें कोई अटैक नहीं करेगा। थैंक यू कबीर। करण तुमने मेरे नहाने के लिए सारा सामान रेडी कर दिया? मैंने सब इंतजाम कर दिया है रानी, ये लो। थैंक यू। गाइस एक प्रॉब्लम है। बस एक ही प्रॉब्लम। लड़कियों को आइसक्रीम चाहिए। तो उन्हें आइसक्रीम मिलेगी। निया जाओ मेरा आइसक्रीम एप्रन लेके आओ। करण तू रानी को बाथरूम में ही रख। हाँ इजी, मेरे पास बाथरूम की चाबी है। ऐसे नहीं घुचू। कबीर मुझे शावर जेल चाहिए। ओह रहने दो, मुझे मिल गया, यहाँ नीचे ब्लू डब्बे में है। रानी वो शावर जेल नहीं, वो तो ना 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 ना, ना। टॉयलेट क्लीनर है। कबीर ये आइसक्रीम कितनी यमी है। क्या तुम मेरी प्रेजेंस देखना चाहोगे? ऑफ कोर्स, और मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। कबीर जरा देखो कौन है, मैं अपने पैसे गिन रही हूँ। अपने नहीं हमारे। मैं तुम्हारा गिफ्ट अभी लेके आया। मानसिंह प्रिंसेस डॉग पार्लर से वापस आ गई। थैंक यू। कम प्रिंसेस चलो। लेकिन मैं वो एक मिनट, मुझे टिप देता है। आज रात को डिनर में छोले भटूरे। ओह माय गुडनेस कबीर तुम मुझे एक डॉगी गिफ्ट कर रहे हो। ओह कितनी क्यूट है,
मैं उसे कर्ल्स बुलाऊंगी। नहीं 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 नहीं, उससे प्यारा तो ये ब्रेसलेट है, देखो। जब डॉगी हो तो ब्रेसलेट किसको चाहिए? मुझे। मुझे नींद नहीं आ रही है। अब मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें गरम दूध पिलाया, तुम्हारे पैर के तीसरी उंगली की मसाज की, तुम्हें राजकुमार की कहानी सुनाई, और क्या करूं मैं? एक्चुअली मैं अपने स्टीरो को बहुत मिस कर रही हूँ। गाने सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती है। सो जा राजकुमारी। सो गया ये गधा, सो गया वो गधा, सो गई सारी बकरिया और बिल्लिया, सो गए है डॉगी बाव वाव। पूरा जंगल सो गया है लेकिन मैं नहीं। मैं ना अपने स्पेशल पेलो को मिस कर रही हूँ, और वो मेरी स्वीट में है, मैं जा रही हूँ। नहीं तुम वहां नहीं जा सकती, वहां खतरनाक चुल्लिया है। तो अगर वो आएंगी मैं तुम्हें आगे कर दूंगी। ओके चलो। मुझे वो टिश्यू पेपर पास करना प्लीज। इस डॉगी को कुछ बीमारी है, लो मुझे दो। कबीर तुम कितने फनी हो। हाँ कबीर ने तुम्हें आइसक्रीम खिलाई ना। कबीर एक बहुत बड़ी। ओह शिवानी तुम कैसी हो? एक मिनट कबीर, रानी आ रही है। अब तक आ गई होती लेकिन मैंने उसे लिफ्ट पे किसी और फ्लोर पे उतार दिया और सीढ़ियां दिखा दी। मैंने लड़के को कब्र में रखा है, उन्हें वहीं पर रहने दो, रानी आ रही है। एक मिनट, क्या तुम रानी ओबेरॉय के बारे में बात कर रहे हो? हाँ शायद वो कब्र में, जाओ ढूंढो। पता नहीं साहिल लिफ्ट कहाँ गायब हो गई है। मेरा रूम तो पहले से भी गंदा हो गया है। क्योंकि मुझे चुल्लियों के पूरे झुंड से लड़ना पड़ा। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। पता है उस कबर्ड के ऊपर टीवी भी है। ये कौन है? पेस्ट कंट्रोल से है। लेकिन ये तो बच्ची है। नहीं नहीं सिर्फ साइज में छोटी है, ताकि वो चुल्लियों के बिल में घुस सके। लेकिन इसने मेरी ड्रेस क्यों पहनी है? क्योंकि अगर वो पेस्ट कंट्रोल की यूनिफॉर्म पहनेगी तो फिर चुल्लिया उसके पास नहीं जाएगी। काफी चालाक है। चालाक, मेरा नाम लता है ठीक है, और मैं वो कुछ बिना बोले क्यों चली गई? चुल्लियों से लड़के पागल हुई थी बेचारी। प्रिंसेस, उन लोगों ने मेरी प्रिंसेस को पकड़ रखा है। रानी तुम वहां नहीं जा सकती, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे जाना होगा, उनके पास मेरी बीबी है। हटो करण, मम्मी अभी आई। अब होगी असली प्रॉब्लम। ढूंढ लिया मैंने, ढूंढ लिया। मुझे पॉइंट्स मिलेंगे ना? थैंक यू। मैं प्रिंसेस को बचाने के लिए बेस्ट कंट्रोल वाली लड़की। प्रिंसेस, मेरा डॉगी का नाम कर्ल्स है। अच्छा नाम है, कहाँ पे है वो? वेलकम रानी, यहाँ क्या हो रहा है? चुलिया बहुत खतरनाक है। चुलिया? मुझे रानी नहीं मिली, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई। ये दुनिया का सबसे मुश्किल, ये नोट नकली है और ये भी। ये पेच करने वाली लड़कियां चुलियों से भी खराब है। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? मानसिंह जी प्लीज मुझे उन दोनों से बचा लीजिए। पता है उन दोनों की ना रेस्टोरेंट में मेरी वजह से लड़ाई हो गई। सुर ने ताल के सिर पे जोर से तबला तोड़ दिया। आपने सुर और ताल की जोड़ी को तोड़ दिया? आपको पता है वो संगीत के हीरे और मोती हैं। प्रीति की लत मुझे ऐसी लगी, इसलिए तो मैं वहां से भागी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप दोनों के साथ डिनर नहीं करना। तो सिर्फ मेरे साथ आओ। नहीं मैं गाऊंगा, तुम खाओ। चुप हो जाओ। देखो मुझे क्या मिला, इससे पहले मैंने देखा। मानसिंह मुझे लगता है ये लड़कियां ना पेस्ट कंट्रोल से नहीं है। वाह रानी,
अब मुझे सच सच बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। मुझे भी सच बताओ तो हमने प्रिंसेस के साथ खेलते वक्त रानी की फोटो फ्रेम तोड़ दी और शिवानी को अपना बर्थडे मनाने के लिए ये रूम रेंट पे दे दिया क्योंकि रानिया नहीं थी। लेकिन रानी वापस जल्दी आ गई और हमें उसे चुलिया की कहानी बतानी पड़ी उसे बाहर रखने के लिए। लेकिन शिवानी ने प्रिंसेस को देख के समझा उसके लिए बर्थडे प्रेजेंट है कबीर की तरफ से और उसने उसका नाम भी कडल्स रख दिया। कबीर तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरे हैप्पी बर्थडे को कम्प्लीटली नॉन हैप्पी बना दिया। आई एम सॉरी मिस रानी, हम अभी चले जाते हैं। पर क्यों, मुझे पजामा पार्टी बहुत पसंद है। चलो एक दूसरे का मेकअप करते हैं। किसी को पता है कि मेरा लिपस्टिक लाइन कहाँ पे है? मुझे पता है। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। कबीर बहुत होमवर्क बाकी है, चल। एक मिनट। तुम दोनों अपने कमरे में सालों तक बंद रहोगे। तुम्हारा टीवी देखना बंद और तुम्हारा खाना बनाना बंद। और आज जो भी पैसे यहाँ बनाए हैं लाओ इधर। हाँ, मुझे भी दो। और निया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? नहीं, तुम कर सकती हो। से कभी बात नहीं करेगी। मिल गया अपना सबक? हाँ, पिज्जा बनाने से कुछ भी नहीं मिलता। क्या? अब मेरा मतलब झूठ बोलने से कुछ भी नहीं मिलता। मुझे भी पता चल गया कि लड़कियों को नकली नोट देने का अंजाम कितना बुरा होता है। प्रीति जी, अरे निकलो। प्रीति जी, मौसम है रंगीन, हम बनेंगे दो से तीन। अरे मुझे माफ कर दीजिए ना, मैंने आप दोनों को बता दिया, मुझे आप दोनों के साथ कुछ बस तुमसे नहीं हमें कोई गिला, क्योंकि हमको साथ एक और मिला, एक और मिला, एक और मिला, इसलिए मैंने ये कुर्ता सिला, क्योंकि दो से भले तीन। Thank you.